नर्मदा जयंती के अवसर पर आज हंडिया घाट पर दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1,00,000 दीपदान कर दीपों से घाट को रोशन किया गया। हरदा जिले के हंडिया में मां नर्मदा के नाभि कुंड स्थल पर आज नर्मदा जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरदा के विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं नर्मदा जयंती के अवसर पर 1,00,000 दीपदान किया गया। नर्मदा नदी के घाटों पर दीपदान से घाट को रोशन किया गया। शाम को मां नर्मदा की महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल विशेष रूप से शामिल हुए। मां नर्मदा की पूजा अर्चना की गई। हरदा से आलोक गौर की रिपोर्ट। देखिए, मां नर्मदा प्रातः स्मरणीय है, पुण्यदायिनी है, संकट हरणी है और जीवनदायिनी है। और हमारा सौभाग्य नर्मदा के नाभि स्थल में जन्मे और जो आनंद यहाँ आता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली जो नर्मदा के नाभि स्थल में जन्मे, यानी पूर्व जन्म कितना अच्छा होगा, इस जन्म में भी अच्छा कार्य करेंगे तो आगे भी अच्छा रहेगा और जीवन सुख में। आज नर्मदा जन्मोत्सव है, नर्मदा जन्मोत्सव को बहुत ही उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पहले हम देखते थे कि नेमावर में भीड़ रहती थी, इधर सुन सपाट रहता था, बहुत मन को अच्छा लगता था कि नर्मदा जी तो दोनों तरफ है, उत्तर तट पे भी दक्षिण तट पे, उधर सिद्धनाथ बाबा, रिद्धनाथ बाबा और हिनोलनाथ बाबा का भी आशीर्वाद है। और अब जब से हजारों की संख्या में नर्मदा जयंती पे सुबह से लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, भंडारा होता है, चुंदी चढ़ती है, आनंद ही आनंद है। और आज जिस प्रकार बनारस में नारायण गुरु ने वहाँ दीपावली शुरू की थी, दीपक लगाकर जो आरती और जो होती है, वही नारायण गुरु जी आए और वहाँ बिमलेश्वर आश्रम में उन्होंने मेरे सामने बात रखी। हमने कहा कि जितने दीपक लगेंगे लगाएंगे तो हजारों की माँ से यही मांगा है कि माँ सबको स्वस्थ रखना, सब समृद्धशाली और खुशहाल, और भारत माता शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बने। यहाँ कोई गरीब ना हो, यहाँ कोई दो हाथ को सबको काम मिले और भारत आत्मनिर्भर बनते हुए दुनिया का नंबर एक राष्ट्र बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी बने। जो स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था वो सपना साकार होता नजर आ रहा है माँ के आशीर्वाद से। और इसलिए माँ हमें वो शक्ति दे कि हम सारी समस्याओं का निदान कर सकें और भारत को दुनिया में नंबर एक राष्ट्र बना सकें। हरदा जिला हिंदुस्तान का नंबर एक जिला बनने जा रहा है, हर तरह से चारों तरफ 100% जमीन सिंचित हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।